दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है दादा? ये गांव कौन सा है? गांव कौन सा? रामपुर मथुरा। अब जो नई मशीन आई है उसमें जो कई राशन की जो दुकानें हैं वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, काफी कार्ड धारक भी परेशान हैं। तो यहां पर क्या कैसे क्या चल रहा है? क्या नाम है भैया? विनोद कुमार, मेरा नाम है, कोटेदार हूँ। ये मशीन नहीं चल रही है, कार्ड धारक बहुत परेशान है, यहाँ भीड़ लगती है और आदमी कार्ड जमा करता है, मशीन नहीं चलती, शाम को अपने घर वापस जाते हैं। कई मशीनों पर से जो ऐसी मतलब शिकायत मिल रही है कि जो राशन तौलने के बाद 1 किलो निकाल लेते हैं कोटेदार अपने अपने तरीके से। नहीं नहीं, निकाला या नहीं निकाला। क्या क्या ऐसा भी कुछ है ऐसी यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो मशीनों में जो दिक्कत आ रही है, ये जैसे कि एक दिन में 10-20-50 तक बांट देते हैं आप, काफी दुकानों पर तो ऐसा भी हो कि 10 से 15-20 के ऊंचे तो बांट ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लमसम दिन में बांट देते हैं? 111 कार्ड, फिर बाद में बटे हैं 78 कार्ड बटे हैं, फिर आज भी बटे हैं 40-50 कार्ड। अच्छा, ये आपकी बार क्या क्या मिल रहा है कार्ड धारकों को? बाजरा मिल रहा है, बाजरा 1 रुपए 1 किलो, 1 किलो गेहूं मिल रहा है, 3 किलो चावल मिल रहा है, और अंत्योदय में 7 किलो बाजरा है, और चावल है 14 किलो, 14 किलो गेहूं है, 3 किलो चीनी है। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, कभी ऐसा कोई 1 किलो कम दिया जाता ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी सर्वर भी डाउन चलता है यहाँ का? सर्वर तो डाउन चल रहा है, तो इसे कार्ड धारक काफी परेशान है। क्योंकि कितने बजे आए थे सुबह? कितने बजे से बैठे सब? 8 बजे से बैठे। सर्वर नहीं चलता, इसकी वजह से पूरा दिन बैठना पड़ता है। कितने दिन तक चलेगा ये राशन बांटने का? 29 तारीख तक। तो 29 तारीख तक सभी कार्ड धारकों तक राशन पहुंच जाएगा? राशन जब ऐसे मशीन नहीं चलेगी तो कहां पहुंचेगा? तो इसे समस्या होती है कोटेदारों को, जो समस्या आ रही है, सर्वर डाउन है, कभी फिंगर नहीं पकड़ रहा होगा, ऐसी वो बहुत सारी समस्या आ रही है बाकी दुकानों पर। किसी का फिंगर पकड़ रहा तो पर्ची नहीं निकाल रहा। दादी कितने बजे आई थी सुबह? मिल गया राशन? मिला नहीं मिला? कार्ड कल से जमा। कार्ड कल से जमा, फिंगर नहीं पकड़ रहा या फिर सर्वर डाउन? सर्वर, सर्वर की दिक्कत आ रही? सर्वर की दिक्कत आ रही है, हमने के कोई लाभ ना बिचारे। अच्छा अच्छा, तीन दिन से दौड़ी तहाने नहीं पकड़ रहे हैं। जो नई मशीनें आई हैं सभी दुकानों पर, इससे सर्वर डाउन चलता है, इससे आप लोगों को भी समस्या होती है? जी बहुत, सुबह शाम सबको 9 बजे से बैठे हैं, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ जा रहा है, पूरा दिन बीत जाते। होली का त्योहार है, सरकार जो है ऑफर दे रही है कि 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, और इसी तरीके से आप 2 से 3 दिन तक 5 किलो यूनिट लेने के लिए लाइन लगाए रहेंगे, तो बाकी का काम कौन करेगा? वही बता रहे हैं कि अब दिन भर का हर्जा होती है। ये जरा दिखाइए, जरा ये दिखाइए, ये झोला भी मिला है, इस पे देखिए मोदी सरकार की गारंटी, और यहाँ पे सभी को अनाज पोषित समाज, यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देखिए यहाँ पे सभी कार्ड धारक हैं, लेकिन जो मशीन है वो नहीं सही से चल पाती है, सर्वर डाउन चलता है, तो जो कार्ड धारक हैं वो काफी परेशान हैं, और 2 से 3 दिन तक जो है दौड़ भाग करते हैं, फिर भी जो है राशन नहीं मिल पाता है। ये समस्या जो आ रही है वो मशीनों से समस्या आ रही है, बहुत सारे यहाँ पे जो है कार्ड धारक हैं। तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? अगर ये मशीन जो इस तरीके से चलेगी तो फिर कैसे आप लोगों को राशन मिल पाएगा समय से? सर्वर नहीं सही होगा तो राशन नहीं बट पाएगा, समय से राशन नहीं मिल पाएगा कार्ड धारकों को। तो ऐसी जो तकनीक आपकी बार ये सरकार द्वारा चलाई गई है, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? ये सब गलत है। गलत है, सही कह रहा है। व्यक्ति हर जा हान बिटिया को करी जत्ता गल्ला न पाई उत्ता 8 दिन दौड़ो महीना भर। तो पहले कैसे दिक्कत है, अब बहुत है, पहले कोई दिक्कत नहीं रहा था। अच्छा, बराबर परेशान हो रहे हैं सभी लोग। रोजा वाले आए हैं, सुबह से बैठे हैं, तो गरीब
किसान जो व्यक्ति को सरकार द्वारा 5 किलो यूनिट राशन दिया जा रहा है, उसी के बीच देखिए कि जो है सरकारी कोटे की दुकान पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है, लेकिन सर्वर डाउन चल रहा है, कहीं किसी का फिंगर नहीं पकड़ रहा है, तो राशन नहीं मिल पा रहा है। गरीब मजदूर किसान यहाँ पे जो लोग आते हैं 100, 200, 300 की मजदूरी करते, अगर 2 से 3 दिन यहाँ पे आना पड़ गया तो ये कैसे इनका बाकी कार्य कैसे होगा। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह से यहाँ पे बैठे होंगे। कितने बजे से बैठे यहाँ पे? 7 बजे से। आप लोगों में तो आप लोग रोजा है तो पानी भी तो नहीं पी सकते, फिर भी सुबह से यहाँ पे बैठे धूप में। तो 5 किलो राशन के लिए यहाँ पर पूरा दिन तपस्या करना पड़ रहा है। हाँ, सरकार राशन दे रही है तो फायदे के लिए दे रही है आप पे, लेकिन मिल नहीं पा रहा। अच्छा, यहाँ पे जो मशीन है, जो नई तकनीक अपनाई गई है, वो आपके हिसाब से सही है गलत है? गलत है, गलत चल रही है। क्योंकि पहले वाले हमें बहुत आराम थी कि फिंगर लगाओ तो गल्ला पा जा, अब जितने मशीन आई है ये नई तो बहुत गलत। तो अब तो ऐसा है कि गरीबों का हक जो है कोटेदार नहीं ले सकते, क्योंकि कोटेदार पर बहुत सारे आरोप भी लगते थे कि कोटेदार सब खा ले रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसी जो मशीन है तकनीक अपनाई गई है तो उसमें अब कोटेदार एक भी दाना नहीं ले पाएंगे। लेकिन बिटिया हमारे सबके यहाँ कोटेदार बराबर गल्ला हमेशा दे, राशन हमेशा मिलता था, जब देखा लाग ना ही। लेकिन आपके आप यहाँ पे इस मशीन नहीं चल पा रही है, इस वजह से आप लोग पूरा पूरा दिन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं राशन के लिए। पहले वाली मशीन में 300 गुंठा लगते थे एक दिन में, और 300 आदमी गल्ला ले जा रहे हैं। अब कितना समय लगेगा बांटने में, कितने दिन लग जाएगा? अच्छा, ठीक। ये बाजरा है जी। अच्छा, काफी ज्यादा समस्या आ रही है मशीन ना चलने पर। और अभी कितने बजे से जो है मशीन बंद चल रही है, सर्वर डाउन चल रहा है, कितने घंटे हो गए? अरे ये 12 बजे चली है, 1 घंटा चली है, कभी बंद होगी? तो 1 घंटे में कितने कार्ड धारक जो है राशन पा चुके थे? 1 घंटा में है 15-20 भाई ने 15-20 पा चुके, उसके बाद मशीन बंद हो गई। अब बंद हो गई, सर्वर डाउन है, चलने रही। तो अब उम्मीद है कि चलेगी कि नहीं चलेगी? अब देखो, क्योंकि मशीन बंद होना, तो अब ये जो सभी लोग यहाँ पे आए थे अब ये वापस चले जाएंगे, फिर कल आएंगे राशन लेने? कल फिर आएंगे। 2 दिन से दौड़ रहे हैं, रोजा भी है और फिर भी तपस्या करना पड़ रहा है। 5 किलो यूनिट के लिए बच्चों को लेकर के महिलाएं यहाँ पे हैं और परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वर डाउन चल रहा है, ये मशीन यहाँ पे रखी हुई है और सर्वर डाउन चल रहा है, जिस वजह से कार्ड धारक यहाँ पे परेशान है काफी संख्या में। हर जो है दुकान पर, जो सरकारी दुकान है राशन की, वहाँ पे भीड़ नजर आती है, क्योंकि सुबह से शाम तक लोग बैठे रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पाता है समय से। ये जो नई तकनीक सरकार ने अपनाई है, इससे ग्रामीणों को, कार्ड धारकों को और कोटेदार को भी समस्या आती है। पहले बांटने में आसान था या अब आसान हो रहा है? पहले आसान हो रहा था। तो सरकार ने जो नियम लागू किया है कि अब एक दाना कोटेदार नहीं ले सकते हैं, तो ये जो नियम है उन्होंने तो अपने हिसाब से, सरकार ने जो भी किया है सही किया होगा, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत पे जनता को समस्या हो रही है। सर्वर डाउन है तो समस्या आएगी, की वजह से पूरा दिन बैठना पड़ता है। कितने दिन तक चलेगा ये राशन बांटने का? 29 तारीख तक। तो 29 तारीख तक सभी कार्ड धारकों तक राशन पहुंच जाएगा? जब ऐसे मशीन नहीं चलेगी तो कहां पहुंचेगा? तो इसे समस्या होती है कोटेदारों को, जो समस्या आ रही है सर्वर डाउन है, कभी फिंगर नहीं पकड़ रहा होगा, ऐसी बहुत सारी समस्या आ रही है बाकी दुकानों पर। किसी का फिंगर पकड़ा तो दादी कितने बजे आई थी सुबह? मिलेगा राशन? मिला नहीं मिला? कार्ड कल से जमा, कार्ड कल से जमा, फिंगर नहीं पकड़ रहा है या फिर सर्वर डाउन? सर्वर की दिक्कत आ रही? सर्वर की दिक्कत आ रही है, उनके कोई लाभ नहीं बिचारे। अच्छा अच्छा, 2-3 दिन से दौड़ी नहीं पकड़ रहे, जो नई मशीनें आई हैं सभी दुकानों पर, इससे सर्वर डाउन चलता है, इससे आप लोगों को भी समस्या होती है? सुबह शाम सबको 9 बजे से
बैठे हैं, पूरा पूरा दिन बैठना पड़ जाता है, पूरा पूरा दिन बीत जाती। होली का त्योहार है, सरकार जो है ऑफर दे रही है कि 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा, और इसी तरीके से आप 2 से 3 दिन तक 5 किलो यूनिट लेने के लिए लाइन लगाए रहेंगे, तो बाकी का काम कौन करेगा? वही बता रहे हैं कि अब दिन भर का खर्चा। ये जरा दिखाइए, जरा ये दिखाइए, ये झोला भी मिला है, इस पे देखिए मोदी सरकार की गारंटी, और यहाँ पे सभी को अनाज पोषित समाज, यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देखिए यहाँ पे सभी कार्ड धारक हैं, लेकिन जो मशीन है वो नहीं सही से चल पाती है, सर्वर डाउन चलता है, तो जो कार्ड धारक हैं वो काफी परेशान हैं और 2 से 3 दिन तक जो है दौड़ भाग करते हैं, फिर भी जो है राशन नहीं मिल पाता है। ये समस्या जो आ रही है वो मशीनों से समस्या आ रही है, बहुत सारे यहाँ पे जो है कार्ड धारक हैं, तो ये कब तक चलेगा सिलसिला? अगर ये मशीन जो इस तरीके से चलेगी तो फिर कैसे आप लोगों को राशन मिल पाएगा समय से? सर्वर नहीं सही होगा तो राशन नहीं बट पाएगा, समय से राशन नहीं मिल पाएगा कार्ड धारकों को। तो ऐसी जो तकनीक आपकी बार ये सरकार द्वारा चलाई गई है, ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? ये सब गलत है। गलत है, सही कह रहे हैं व्यक्ति, हर जा हान बिटिया को करी जितना गल्ला न पाई उतना 8 दिन दौड़ो महीना भर। तो दिक्कत है अब बहुत है, पहले कोई दिक्कत नहीं रहा था। अच्छा, बराबर परेशान हो रहे हैं सभी लोग, रोजा वाले आए हैं सुबह से बैठे हैं, तो गरीब परेशान जो व्यक्ति को सरकार द्वारा 5 किलो यूनिट राशन दिया जा रहा है, उसी के बीच देखिए कि जो है सरकारी कोटे की दुकान पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है, लेकिन सर्वर डाउन चल रहा है, कहीं किसी का फिंगर नहीं पकड़ रहा है, तो राशन नहीं मिल पा रहा है। गरीब मजदूर किसान यहाँ पे जो लोग आते हैं 100, 200, 300 की मजदूरी करते हैं, अगर 2 से 3 दिन यहाँ पे आना पड़ गया तो ये कैसे इनका बाकी कार्य कैसे होगा? यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सुबह से यहाँ पे बैठे होंगे। कितने बजे से बैठी यहाँ पे? 7 बजे से। आप लोगों में तो आप लोग रोजा हैं, तो पानी भी तो नहीं पी सकते, फिर भी सुबह से यहाँ पे बैठे धूप में, तो 5 किलो राशन के लिए यहाँ पर पूरा दिन तपस्या करना पड़ रहा है। हाँ, सरकार राशन दे रही है तो फायदे के लिए दे रही है आप पे, लेकिन मिल नहीं पा रहा। अच्छा, यहाँ पे जो मशीन है, जो नई तकनीक अपनाई गई है, वो आपके हिसाब से सही है गलत है? गलत है, गलत चल रही है मशीन, क्योंकि पहले वाले हमें बहुत आराम थी कि फिंगर लगा तो गल्ला पा जा, अब जितने मशीन आई है ये नई तो बहुत गलत। तो अब तो ऐसा है कि गरीबों का हक जो है कोटेदार नहीं ले सकते, क्योंकि कोटेदार पर बहुत सारे आरोप भी लगते थे कि कोटेदार सब खा ले रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसी जो मशीन है तकनीक अपनाई गई है तो उसमें अब कोटेदार एक भी दाना नहीं ले पाएंगे। लेकिन बिटिया हमारे सबके यहाँ कोटेदार बराबर गल्ला हमेशा दे, राशन हमेशा मिलता था, हमेशा। लेकिन आपके आप यहाँ पे इस मशीन नहीं चल पा रही है, इस वजह से आप लोग पूरा पूरा दिन यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं राशन के लिए। पहले वाली मशीन में 300 अंगूठा लगते थे एक दिन में, 300 आदमी गल्ला ले जा रहे हैं। अब कितना समय लगेगा बांटने में, कितने दिन लग जाएगा? अच्छा, ठीक। ये बाजरा है जी। अच्छा, काफी ज्यादा समस्या आ रही है मशीन ना चलने पर, और अभी कितने बजे से जो है मशीन बंद चल रही है, सर्वर डाउन चल रहा है, कितने घंटे हो गए? अरे ये 12 बजे चली है, 1 घंटा चली है, कैसे बंद होगी? तो 1 घंटे में कितने कार्ड धारक जो है राशन पा चुके थे? 1 घंटा में 15-20 भाई ने 15-20 पा चुके, उसके बाद मशीन बंद हो गई। आप बंद हो गए, सर्वर डाउन है, चलने रही। तो अब उम्मीद है कि चलेगी कि नहीं चलेगी? अब देखो कैसे क्या, क्योंकि मशीन बंद होना, तो अब ये जो सभी लोग यहाँ पे आए थे अब ये वापस चले जाएंगे, फिर कल आएंगे राशन लेने? कल फिर आएंगे। 2 दिन से दौड़ रहे, रोजा भी है और फिर भी तपस्या करना पड़ रहा है। 5 किलो यूनिट के लिए बच्चों को लेकर के महिलाएं यहाँ पे हैं और परेशान हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वर डाउन चल रहा है, ये मशीन यहाँ पे रखी हुई है और सर्वर डाउन चल रहा है, जिस वजह से कार्ड धारक यहाँ पे परेशान है काफी संख्या में। हर जो है दुकान पर, जो सरकारी दुकान है राशन की, वहाँ पे भीड़ नजर आती है, क्योंकि
सुबह से शाम तक लोग बैठे रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पाता है समय से। ये जो नई तकनीक सरकार ने अपनाई है, इससे ग्रामीणों को, कार्ड धारकों को और कोटेदार को भी समस्या आती है। पहले बांटने में आसान था या अब आसान हो रहा है? पहले आसान हो रहा था। तो सरकार ने जो नियम लागू किया है कि अब एक दाना कोटेदार नहीं ले सकते हैं, तो ये जो नियम है उन्होंने तो अपने हिसाब से सरकार ने जो भी किया है सही किया होगा, लेकिन यहाँ पे जमीनी हकीकत पे जनता को समस्या हो रही है। सर्वर डाउन है तो समस्या आएगी।